2018 की पिच निवेशकों के लिए बाउंसर्स से भरी थी। एक के बाद एक झटके लगते रहे। कमाई करने के इरादे से उतरे निवेशक क्लीन बोल्ड होते नजर आए। मंझे हुए खिलाड़ियों ने तो निराश किया ही, लेकिन मैदान में उतरे नए खिलाड़ी भी फिसड्डी ही साबित हुए। ये बाजार की बाउंसर्स झेल नहीं पाए। नए खिलाड़ियों के स्कोर बोर्ड पर जरा नजर डालिए। 2018 में कुल 24 आईपीओज ने दलाल स्ट्रीट की पिच पर कदम रखा, जिनमें 14 क्लीन बोल्ड हो गए, यानी इशू प्राइस से नीचे फिसल गए। हालांकि 10 जैसे तैसे साग बचाने में कामयाब रहे। राइट्स, फाइन ऑर्गेनिक्स, मिश्र धातु, एचडीएफसी एमसी कुछ नाम हैं जो विराट कोहली जैसा प्रदर्शन कर पाए, बाकी अनाड़ी ही साबित हुए। तो शो के टाइटल्स आप समझ ही गए होंगे। 2018 के जो नए खिलाड़ी, जो डेब्यूटांट्स थे इस साल, जिन्होंने लिस्टिंग हुई जिनकी, जिन्होंने सेकेंडरी मार्केट्स में कदम रखा, उनको आज हम रिव्यू करने वाले हैं। कई सारे आईपीओज आए थे। कोशिश करूंगा अगले आधे घंटे में ज्यादा से ज्यादा रोड कवर कर पाऊं अपने दो एक्सपर्ट्स के साथ, संदीप जैन और मयूरेश जोशी। ये दोनों जुड़ेंगे, ये दोनों आज हमारी मदद करने वाले हैं। तो कोशिश है 2018 के रीसेंट डेब्यूटांट्स के आईपीओज को रिव्यू करना। लिस्टिंग के बाद अब हमारा कॉल क्या होना चाहिए, इस पर होने वाली है फोकस। तो संदीप जैन साहब, पहले तो जो रिपोर्ट कार्ड हमने हाईलाइट करी, 24-25 आईपीओज लिस्ट हुए जिनमें से 50% से ज्यादा अपने इश्यू प्राइस से नीचे कामकाज कर रहे हैं, तो हिस्टोरिकली वैसे ऐसे ही रहता है। ऐसे में 2018 का परफॉर्मेंस क्या मानूं, मिक्स्ड बैग मानूं या फिर डिसअपॉइंटमेंट लिस्टिंग्स के लिहाज से ज्यादा रहा इस साल? नहीं, डिसअपॉइंटमेंट ही मानना पड़ेगा। और आपने बहुत सही कहा कि क्लीन बोल्ड हुए हैं और बहुत कम ही लोग हैं जो आईपीओ से जो विराट कोहली की तरह परफॉर्म किए या अच्छे क्रिकेटर की तरह या अच्छा रिटर्न देने में सक्षम हुए हैं। बट एक चीज और देखनी होगी कि देखिए, कई आईपीओज ऐसे थे जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रीमियम्स पे आए। जैसे कि मार्केट जब अच्छा रहता है तो कुछ तो प्रमोटर्स भी थोड़े ग्रीडी हो जाते हैं और एग्जॉर्बिटेंट प्राइसेस पे लाते हैं और टेबल के इन्वेस्टर्स के लिए नहीं छोड़ते हैं। और पीएसयूज में भी इस बार कुछ ऐसा देखने को, पिछले 1-2 साल में जो भी पीएसयूज के भी जो आईपीओज आए, ठीक है, आज अब एक साल की बात करें, एक साल पहले भी अगर आप देखें जो इंश्योरेंस कंपनीज के आईपीओज आए, तो उन सब में भी ऐसा ही देखने को मिला। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्काउंट के साथ साथ प्राइसिंग भी राइट होनी चाहिए और साथ में जो प्रमोटर्स है, प्राइवेट प्रमोटर्स है, उनको इन्वेस्टर्स के लिए कुछ एयर पॉकेटिंग का मौका दें। एयर पॉकेटिंग का मतलब कि लिस्टिंग होते ही जो गेन्स होते हैं उसको पॉकेट कर जाएं। और मैं तो जनरली राय यही देते हैं हमारे क्लाइंट्स को कि एक बार तो लिस्टिंग गेन्स को लेने की कोशिश करें, क्योंकि आईपीओ जब आते हैं तो बहुत सारे आते हैं, वही पैसा दूसरे में यूज करें तो कई बार एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न्स बढ़ जाते हैं, बाद में देखी जाएगी क्या होता है। ठीक बात। तो वैसे हाँ, प्रमोटर को भी ये करना चाहिए, टेबल पे कुछ छोड़ना चाहिए, तो निवेशक हमेशा याद रखता है उनको। और ये 1-2-10-5-15-20 रुपए के लिए इतना कर देना चाहिए, सबको अच्छा लगता है। अच्छा, ये जो 2018 था, इसकी जो आईपीओ की शुरुआत करूंगा सबसे ऑस्पिशियस दिन से करूंगा। अभी 2018 आईपीओ के लिहाज से सबसे ऑस्पिशियस दिन 2 जुलाई था। 2 जुलाई इसीलिए क्योंकि उस दिन 2 कंपनीज लिस्ट हुई थी, और एक बार टॉप गेनर्स की इस साल की लिस्ट लेकर आए आईपीओ की, ये दोनों उस लिस्ट में सबसे ऊपर आपको नजर आएंगी। फाइन ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज, ओलियो केमिकल्स बनाने वाली या कह लीजिए स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी, इश्यू प्राइस था 783 का और इश्यू प्राइस से 40-45% ऊपर। और दूसरी वो आपकी स्क्रीन पर राइट, सरकारी कंपनी ट्रांसपोर्ट इंफ्रा कंसल्टेंट, ये अपने ऑफर प्राइस से 50-55% ऊपर, और ये दोनों ही 2 जुलाई को लिस्ट हुई, इसलिए मैंने वो सबसे ऑस्पिशियस दिन के साथ शुरुआत करी है। मयूरेश, इन दोनों कंपनीज, ये है असली विराट कोहली इस साल की लिस्टिंग्स के लिहाज से, इन दोनों पे कॉल क्या होगा? आफ्टरनून आशीष जी, आई थिंक दोनों में से आई थिंक राइट्स मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि अगर आप राइट्स के पिछले त्रिमाही के भी नतीजे देखें तो काफी तगड़ा परफॉर्मेंस था। आई थिंक कंसल्टेंट डिवीजन डिड वेरी वेरी वेल। इनकी जो डोमेस्टिक लीजिंग डिपार्टमेंट है, इसने बहुत अच्छा एक तगड़ा परफॉर्मेंस दिया। जो टर्नकी डिवीजन है, इसने भी परफॉर्म किया। और जो ऑर्डर बुक है लगभग 6,183 करोड़ की, उसमें आई थिंक एक्सपोर्ट ऑर्डर्स आर क्लोज टू 20-odd%। तो जैसे आपने राइटफुली कहा, आई थिंक जो ट्रांसपोर्ट रिलेटेड, रेल हो या रोड हो, इसमें आई थिंक एंड टू एंड कंसल्टेंसी करते हैं कहीं ना कहीं। आई थिंक जो ऑटोमोटिव्स और लोकोमोटिव्स हैं,
वहां पे भी इनकी ईपीसी कॉन्ट्रैक्ट्स है, तो तगड़ी रेवेन्यू ग्रोथ है और एक्सपेक्टेशंस यही है मैनेजमेंट की, 22% रेवेन्यू ग्रोथ विच आई फील दे विल इजिली एक्सीड. जो इबिट्टा मार्जिन 38% पे, आई थिंक इबिट्टा मार्जिन अबाउट 30% कैन इजिली बी सस्टेन्ड. तो कहीं ना कहीं आई थिंक तगड़ी ऑर्डर बुक, एक्सपेक्टेशंस ऑफ गुड एग्जीक्यूशन, हेल्दी बैलेंस शीट और अच्छी डिविडेंड यील्ड, आई थिंक ये सारे फैक्टर्स शायद राइट्स को गुड स्पिरिट्स में अभी भी रखें अगले 12 से 15 महीने. तो खरीदारी करने का मन, एक्यूमुलेट ऑन डिक्लाइंस का स्ट्रेटजी है आप लोग की स्क्रीन पर आएगी. 340 के टारगेट्स हैं मयूरेश के यहां पर अगले 12 महीनों में. किसी भी कमजोरी में राइट्स को खरीदते चलें. आपने कहा दोनों में ज्यादा पसंद आ रहा है, फाइन ऑर्गेनिक भी क्या पसंद है? अगर मैंने आईपीओ के टाइम लिया था 40-45% ऊपर है, मुनाफा बांध लूं या रखे रहूं? नहीं, जैसे संदीप ने कहा आई थिंक कहीं ना कहीं आई थिंक यू ऑल्सो हैव टू मेक अ कॉन्शियस डिसीजन. आई थिंक जो लिस्टिंग होती है, लिस्टिंग गेन्स होते हैं और जो वैल्यूएशन पे कंपनी ट्रेड करती है, आई थिंक इसका एक सही इक्वेशन करना चाहिए. आई थिंक देयर इज नथिंग रॉन्ग फंडामेंटली विद द कंपनी. परफेक्ट स्पेस में आई थिंक ओलियो केमिकल्स है, आई थिंक दैट इज अ ग्रोइंग स्पेस. बट कहीं ना कहीं आई थिंक वन हैज टू ऑल्सो लुक एट द वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव. तो यहां पे आई थिंक थोड़ा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट है करंट लेवल्स पे, बट आई थिंक द कंपनी इज इन अ गुड स्पेस. तो कहीं ना कहीं आई थिंक आप प्रॉफिट थोड़े सी बुक कर सकते हैं इवन इफ यू आर होल्डिंग द स्टॉक एट द करंट लेवल. ठीक है, तो फाइन ऑर्गेनिक्स को दिक्कत नहीं, लेकिन हल्की मुनाफा वसूली करी जा सकती है, मुनाफा बांधा जा सकता है और राइट्स पसंद आता है तो होल्ड करें, नहीं तो किसी भी डिक्लाइन में यहां पे उस स्टॉक में खरीदारी करके चलें. राइट्स की बात हुई है तो संदीप जैन साहब, थोड़ा टफ काम आपके लिए. अब ये 2018 आईपीओस के लिहाज से 6 सरकारी कंपनीज के आईपीओस प्राइमरी मार्केट्स में हिट होते हुए नजर आए. राइट्स की तो हमने बात कर ली, 5 और थे. राइट्स ने कमा के दिया और मिश्र धातु ने कमा के दिया. 36% इश्यू प्राइस के ऊपर मिश्र धातु है, लेकिन गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, इरकॉन इंटरनेशनल, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, भारत डायनेमिक्स, ये वो तमाम सरकारी कंपनीज जो अपने ऑफर प्राइस से कहीं नीचे 15 से लेकर 40-45% अपने इश्यू प्राइस से नीचे कामकाज कर रही हैं. ऐसे में इन पांचों पे सर कॉल क्या होगा, और खासतौर पर मिश्र धातु जो ऑफर प्राइस से 30-40% ऊपर चल रहा है? नहीं, बिल्कुल. देखिए, आपने सवाल तो कठिन था, मगर मैंने मेरी जो तैयारी की थी वो मैंने इस तरीके से की कि ये सारे एक साथ ही मैंने प्रिपेयर किया, और मुझे लगा कि इस पर्टिकुलर कैटेगरी को कई बार होता ना कि आप प्रीएम्प्ट कर लेते हो क्वेश्चन को, तो शायद मैंने वो प्रीएम्प्ट कर लिया था कि ये सरकारी कंपनियों का एक साथ आएगा क्वेश्चन, और मैं ये एक साथ अगर फास्ट अगर रैपिड फायर में बोलूं तो इरकॉन इंटरनेशनल अभी भी होल्ड है, गार्डन रिच एग्जिट ऑन बाउंस है, राइट्स इज सर्टेनली अ बाय 390 के टारगेट के लिए, और मैंने आपके साथ जब इसका मैनेजमेंट आया था तो नो योर कंपनी में शो भी किया था, तो तभी भी मैंने रिकमेंडेशन दी थी, और उसके बाद अच्छा खासा चला भी है, और हमारी ये दिवाली पिक भी है, बेहतरीन फंडामेंटल्स है, जैसे मयूरेश जी ने बताया एकदम बेहतरीन फंडामेंटल्स है. मुझे लगता है कि इसको तो अभी भी बाय करना चाहिए. मिश्र धातु स्टिल अ बाय, एंड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो बेहतरीन क्वालिटी रिजल्ट दिए हैं, क्वार्टरली रिजल्ट, ये भी बाय है. मुझे ऐसा लगता है कि डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे तो बहुत कम है, पर्टिकुलरली मैं एचसीएल की बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो बिल्कुल बाइंग करनी चाहिए. 740-50 का लोन बनाया है, 825 के लगभग भाव है, बेहतरीन स्टॉक लगता है और बाई है मेरा. इनफैक्ट ये तीनों स्टॉक्स, मिश्र धातु निगम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और राइट्स, ये तीनों मेरे बाई लिस्ट में. मिश्र धातु निगम, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और राइट्स. तो राइट्स तो मयूरेश को भी पसंद आ रहा था, संदीप को भी पसंद आ रहा है, 340 और यहाँ पे तो अब 390 के टारगेट आते हुए राइट्स पे. अच्छा, आमतौर पे कहा जाता है सरकारी कंपनीज कभी लॉन्ग टर्म में कमा के नहीं देती, तो जब आप कह रहे हो कि ये तीनों कंपनीज को पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, ये क्या लॉन्ग टर्म के लिहाज से कोर पोर्टफोलियो का हिस्सा है, या फिर अभी फॉर द टाइम बींग मोमेंटम स्ट्रांग है तो इनको इनकैश करने के लिए अभी पोर्टफोलियो में रखा रहा हूं? आप लोग रखते हो कोर पोर्टफोलियो होल्डिंग्स में सरकारी कंपनीज? नहीं, रखना चाहिए. देखिए आशीष जी, सबसे बढ़िया चीज तो मुझे सरकारी कंपनियों में ये लगता है कि इनका एक डिविडेंड यील्ड बहुत अच्छा होता है. मार्केट चूंकि सरकारी कंपनी है तो वैल्यूएशन भी कम देता है. यही अगर राइट्स प्राइवेट सेक्टर में होती और कोई प्राइवेट कंपनी इस तरीके का बिजनेस कर रही होती, जो कि बहुत डिफिकल्ट है, तो वहां पे वैल्यूएशन इससे डबल होते, और आज ये 16-17 के पी मल्टीपल पे चल रहा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, जो कि प्राइवेट सेक्टर के बियॉन्ड कैपेसिटी का हो सकता है ये बिजनेस हो. और एक तरीके से देखिए, जिस तरीके के बिजनेस मॉडल्स हैं इन तीनों कंपनियों के, बेहतरीन बिजनेस मॉडल्स है. आप मिश्र धातु निगम टाइटेनियम बनाने वाली कंपनी, बहुत कम सर्विसेज, ये तीनों कंपनियां जो प्रोडक्शन सर्विसेज मुहैया करवा रही है, ये यूनिक है, और ये ऐसे पीयर्स इनके कोई है नहीं लिस्टेड पीयर्स, तो उसका एक एक्स्ट्रा प्रीमियम होता है. वैल्यूएशन अच्छे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आएंगे नहीं क्योंकि सरकारी पेडिग्री है, तो ये सारी चीजें लॉन्ग टर्म में बहुत कंफर्ट देगी. ऐसा कोई नहीं है, कोई ऐसा समय आएगा, एक टाइम आया था कि पीएसयू स्टॉक्स जबरदस्त फ्लेवर में आए थे, अभी तो समय नहीं है, कोई बात नहीं है, 2-3 साल में कभी तो आएगा और डबल होने की पूरी दमखम रखते हैं. दमखम रखते हैं, रखा जा सकता है पोर्टफोलियो में इन स्टॉक्स को. बस इश्यू ये रहता है
कि सरकार इनके प्रमोटर है और ये कंपनी इस बजाय कि माइनॉरिटी शेयरहोल्डर्स के लिए ज्यादा करें सरकार के लिए ज्यादा करती है, और ये ठीक भी है, इनका रैशनल वही होता है, पर इनमें से कुछ कंपनी आउटशाइन कर रही है, पक्का है कि यहां से तेजी दिखाएंगी, उनमें दाव लगाए। राइट्स, एचएल और मिश्र धातु, ये वो स्टॉक्स हैं सरकारी 2018 की लिस्टिंग जिन पे अभी भी तेजी नजर आती है, अभी भी इनको पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। अच्छा, 2018 कुछ मार्की ब्रांड, कुछ बड़े ग्रुप्स के स्टेबल से बड़ी बड़ी कंपनियां भी बाजार में उतरी थी। एक तो HDFC लिमिटेड की सब्सिडरी HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी प्राइस था 1100 रुपए, 1400 रुपए के ऊपर चल रहा है, तो ये इश्यू प्राइस से 25-30% आपको अब भी ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। 1400 रुपए के ऊपर चल रहा है, तो ये इश्यू प्राइस से 25-30% आपको अब भी ऊपर कामकाज करता हुआ नजर आएगा। दूसरा था ICICI बैंक का आर्म, ICICI सिक्योरिटीज, जो ब्रोकिंग और तमाम फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को बेचने का काम करती है। ये खैर इश्यू प्राइस सब्सक्राइब, अच्छा इसके टाइम पे तो आपको याद होगा आईपीओ भर नहीं पाया था, प्राइस बैंड को टिंकल करा गया था, 3 दिन एक्सटेंशन हुआ था, उसके बाद आईपीओ का साइज रिड्यूस कर दिया गया, फाइनली तब जाके भरा था, अगर मुझे सही रिकलेक्शन है, सही याद आ रहा है तो। अच्छा मयूरेश, ये दोनों जो मार्की ब्रांड आए बाजार में इस साल, दोनों पे कॉल क्या होगा? ठीक है, जो आईपीओ आया था और जैसे लिस्टिंग हुई थी और जैसे परफॉर्मेंस रहा है, आई थिंक काफी तगड़ा रहा है। हालांकि आई थिंक पिछले क्वार्टर में जो आई थिंक मॉडरेट हुई थी ग्रोथ बिकॉज ऑफ द लिक्विडिटी स्ट्रेस सिस्टम में हमने देखा था, और मार्केट करेक्शन के वजह से जो 9% ग्रोथ आई थी, कहीं ना कहीं आई थिंक वो नॉर्मलाइज बिल्कुल होगा। और जो मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था वहां पे देखा गया था कि जो HDFC AMC है, दैट इज द ओनली AMC विच इज ग्रोन इन द पास्ट क्वार्टर, 12% की ग्रोथ ही गई है। दूसरा आई थिंक जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, आई थिंक एक क्लियर इंडिकेशन देता है कि जो पैट एज अ परसेंटेज ऑफ एवरेज AUM एट 0.26 इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री, और जो एक्सपेंसिस रेशियो पर एज परसेंटेज ऑफ एवरेज AUM एट 0.29 अगेन दैट इज द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो एक अर्निंग्स ग्रोथ है वो रिफ्लेक्ट हो रही है ROEs ROCs में, 40% के ऊपर डिविडेंड यील्ड्स काफी तगड़ी है, एंड आई थिंक द ट्रैक्शन शुड कंटिन्यू। तो आई थिंक अगर कॉल लेना ही है तो हालांकि आई थिंक ये प्रीमियम वैल्यूएशन पे बिल्कुल ट्रेड करता है कंपेयर टू प्राइस टू बुक और प्राइस टू एडजस्टेड बुक पैरामीटर, आई थिंक वैल्यू डेफिनेटली इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स। आई थिंक HDFC AMC में मैं अभी भी पॉजिटिव रहूंगा। HDFC AMC, अच्छा ये आपने ICICI सिक्योरिटीज को कन्वीनियंटली इग्नोर कर दिया, ब्रोकरेज है ब्रोकरेज पे बात नहीं करेंगे इसीलिए क्या? कंप्लायंस रिक्वायरमेंट ये बताते नहीं आप, ठीक है बिल्कुल लॉजिकल है। तो ठीक है HDFC AMC अच्छा अट्रैक्टिव बेट है, यहां से भी खरीदारी करने के मौके 1650 के टारगेट्स के लिए यहां पे अप्रोच करा जा सकता है, दोनों ही ब्रोकरेज के लोग हैं, तो ICICI सिक्योरिटीज को अवॉइड ही कर देता हूं, खैर बात ही नहीं करता, लेकिन नुकसान तगड़ा हुआ है, 520 का माल आज 280 पे खड़ा हुआ है इस स्टॉक पर, तो किसी इंडिपेंडेंट व्यू जरूर लेकर आऊंगा। सनी जैन साहब आप कुछ बोलना चाहोगे क्या ICICI सिक्योरिटीज पे? बिल्कुल बिल्कुल आशीष जी, देखिए जब इसके आईपीओ की नो योर कंपनी में डिस्कशन हो रही थी और उस दिन मैं था इस इंटरव्यू में और रिकमेंडेशन के लिए, और मैंने हालांकि रेकमेंड करते टाइम पे ये बोला था कि बहुत महंगा है और इसीलिए नहीं करना चाहिए, और एक डिस्क्लोजर भी दिया था, मैंने मेरा करियर ICICI डायरेक्ट कंपनी है याद है DBC डायरेक्ट बिजनेस कैटलिस्ट था मैं, 2002-03 की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां से शुरू किया था, तो इसलिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है, और बट महंगा बहुत था आईपीओ, और इनफैक्ट देखिए वहां से काफी नीचे आ गया, और ये कहूंगा कि उस टाइम पे माहौल बना हुआ था और इसीलिए लोग इतना महंगा लाए, बट बाद में देखिए उसी दौरान मार्केट में सिचुएशन भी थोड़ी वैसी हो गई तो इनको पोस्टपोन भी करना पड़ा, साइज भी शायद कम करनी पड़ी, बट अब ऐसा लगता है कि जिन लेवल्स पे है और जो वैल्यूएशन है, हालांकि पी मल्टीपल से देखे तो सस्ता है, प्राइस टू बुक वैल्यू मल्टीपल पे महंगा है, बट ओवरऑल जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए करीब 76% रिटर्न ऑन इक्विटी, करीब 85%, और साथ में एक और चीज कि इनकी जो प्रोमोटर होल्डिंग है वो करीब 79% है, तो हो सकता है कि शायद वो कंप्लायंस भी इनके ट्रिगर करे, 75% के नीचे लाना पड़ेगा, हैव टू गेट इनटू द डिटेल्स फर्दर, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि जिन्होंने ले रखा वो होल्ड करके रख सकते हैं, एग्जिट की राय तो नहीं। ठीक है, स्पिटाई के बाद एग्जिट करने की जरूरत नहीं है, वैल्यूएशन तब महंगे थे अब शायद रीजनेबल हो चले, आधा हो गया है स्टॉक, अब होल्ड करने की कॉल होती है ICICI सिक्योरिटीज पे। इस नोट पे मैं क्विकली यहां पे छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, अभी तो हमने बहुत कम रास्ता क्रॉस करा है, एक्सपर्ट से मैं बहुत सारी और पॉकेट 2018 की कई सारी और लिस्टिंग्स में बातचीत करनी है, लेकिन ये सारा डिस्कशन ब्रेक के उस पर।